अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छा जी, मैं बड़ी नहसी बनी हुई हूँ और सहरी का टाइम हो चुका है और 4:10 हो रहे हैं और मेरी मम्मा ने इतनी लेट सहरी बनाई है और सहरी में भी देखें हम क्या कर रहे हैं। सहरी में कर रहे हैं सिर्फ जल्दी जल्दी जो हो सका। मेरी मम्मा ने हल्की हल्की रोटियाँ भी तल ली और दलीम से हम कर रहे हैं सहरी, क्योंकि टाइम बहुत कम था और ये सारे नहसी की नहसी सारे सो रहे हैं। और ये देख सकते हैं सिर्फ कितने 4:10 के अंदर मम्मा बना के लेकर आई और हमने जल्दी से सहरी करी और ब्रश वगैरह करा, फ़ौरन से फ्री हो गए ब्रश वगैरह करके। अब वेट कर रहे हैं हम अज़ान का, फिर नमाज़ पढ़ेंगे। और इन्हें देखें आप, ये देखें हरमीन, कैफी, पप्पा, भाई, ये से मज़े से सो रहे हैं। ये उठे नहीं ये लोग, इन्हें बोला है ये उठे नहीं बिल्कुल भी। मम्मा आप पानी फेंका करो इनके ऊपर, ये प्यार की ज़बान थोड़ी आती है इन लोगों को समझ में। पानी फेंको इनके ऊपर। इसको इतना उठाया सहरी के लिए, इतना उठाया, ये उठी नहीं हरमीन। जबकि ना देखियो तू, आएगी तेरी भी गलत बात ना। अच्छा जी, अब मैंने है नमाज़ पढ़ ली है फजर की। अब आप लोग बोलेंगे तस्बीह इतनी जल्दी जल्दी पढ़ते हो, तो ये स्पीड मैंने तेज़ की हुई। ओके, सुबह मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़, बाय। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो सुबह उठते ही मैंने छोले जो है वो 9 तारीख को भिगो दिए थे, आज है 10 मुहर्रम अल हराम, तो अब इसको हमने करने हैं बॉयल। और कैफ़ल ज़रा बेचारी इतनी काम वाली बच्ची है हमारी, ऐसे ऐसे मतलब छोले तोड़ दिए ये बिला वजह, पता नहीं इसको क्या क्या मसला है। तो अब मैं इसको बॉयल करती हूँ, फिर हम चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। बॉयल कर लूँ उसके बाद, क्योंकि मैं कुछ बनाना है ना इसलिए क्यों गिर जाएगा दूध, इसका शरबत वगैरह बनाना है। चलो पकड़ो, इधर शरबत बनाएंगे अब इसका, हम देखो जादू दिखाएं शरबत बनाएंगे यार। डन। अच्छा जी, ये बन चुके हैं हमारे शरबत। ये पिंक वाला आपने, ये कैफे वाले ने बनाया, ये पिंक वाला कम क्यों बनाया आपने? ये पिंक वाला क्यों बनाया? पापा जी पसंद था, शौक से। तो पापा पिंक वाला पीता है। चलो जी, हमारे ये हो चुके हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारी हरमीन बना रही है मेहंदी के डिजाइन, ये देखें, क्योंकि हरमीन का भी ओ हो नखरेले हमारे हरमीन के बाल उड़ रहे रोजेदारों को ऐसे नहीं बोलते, रोजेदारों को ना ऐसे नहीं बोलते रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारो रोजेदार, कुछ और रोजेदार होते हैं जैसे कि वो रोजेदार से हमेशा कमी। ये देखे हम इन पर गुर्बत आई हुई और इसका टायर फटा हुआ है। ये वो बच्चा है जिसने मैंने वीडियो डाली थी, हाल था सानू जेरो, ये अल्लाह देख रहे हैं, आप इसे देख रहे हैं। और कैफ़ल में तो इसको मानता है, कैफ़ल कैफ़ल मुझे देखो कितनी क्यूट लग रही, कैसी आप और इधर कैफ़ल इसको संभालो, क्या कर रहे हैं आप? देख सकते हैं जेना, नहीं जेना बोली सानू, सानू अल्लाह आएगा आएगा आगे, ओ अल्लाह छोला रुक तो जाए, खड़ा हुआ खड़ा हुआ मुन्ना खड़ा हुआ। या अल्लाह, आजकल के बच्चे भी लालची हुई। ये लाभ दे दो, ये लेगा सेक के छिलके हैं हमारे पास, कचरा है वो ले ला। अरे वाले ये लेगा। मैं क्या कर रही हूँ, क्या पढ़ रही हो? देख रही हूँ कोई शिकायत तो नहीं है, कहीं कोई गलती तो नहीं है नमाज में। सही है, मैं तो तंग आ गई हूँ। 10 मुहर्रम अल हराम को भी इन लोगों ने ना लाइट ले लिया, बिल्कुल पता नहीं क्या होगा। मैं तो सोच सोच के, मुझे तो लग रहा है मेरे सारे बाल ही झड़ जाएंगे, क्योंकि इतनी लाइट, इतनी लाइट। अरमीन के दिखाती हूँ बाल टूट रहे हैं, देखिए अरमीन की लकीरें भी स्टार्ट। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। अच्छा जी भाई, जोहर की अजान हो चुकी थी तो मैंने अब जोहर की नमाज़ पढ़नी है, तो मैं सबसे पहले जोहर की नमाज़ पढ़ूंगी, फिर उसके बाद मैं निकाल के लेकर आई दूध, क्योंकि मुझे बनानी थी खीर। तो एक तरफ मैंने चढ़ा दिया है दूध, चढ़ा दिया रहेंगे, और इसके बाद मैंने छोले भी बॉयल करने के लिए रख दिए हैं, क्योंकि छोलों का भी बनाना है ना। और उसके बाद मैंने पूरियों का आटा भी जो है वो गूंद कर फ्रिज में रख दिया है, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट और हो जाए। सही है, अब चलते हैं अगली वीडियो की तरफ। ओके जी, जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया है, जो फ्रीज़र करना था वो कर चुकी हूँ, क्योंकि अब डायरेक्टली है थोड़ा थोड़ा सामान मैं बनाया जा रही हूँ जो भी चीज़ है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि रोज़ा किस किस का है, आज 10 मुहर्रम अल हराम है, कि आप लोगों ने रोज़ा रखा है या नहीं। हमारे घर पर मेरा और मम्मा का है और किसी का भी नहीं है, और नीचे चची और दादी का है।
ये हमारे नेबर का छोटा सा प्यारा सा बेबी बॉय है जिसे हम रोज खेलते हैं। दे दो दे दो दे दे दो। ये इधर देखो जान। अरे ये मेरा बच्चा है, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। ओह, ये मेरे जिगर की तिल्ली सूख गई सारी। जयान, जयान ये लो। मैं तोता पोयम। अच्छा जी, ऐसे खेल कूद के और बाकी थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके हम असर की अजान हो गई थी, फिर हमने नमाज अदा करी असर की, उसके बाद जाके हम लोगों ने कुछ और काम किया। और मेरी खीर रेडी हो चुकी है, देख सकते कितनी प्यारी लग रही है मेरी खीर। और हमारी चीज़ें जो हो गई थी वो सारी रेडी हो गई थी, और मगरिब की मतलब अफ्तारी का टाइम भी होने वाला था, तो सबसे पहले हम लोगों ने लगाया दस्तरखान। आज माशाल्लाह से काफ़ी बड़ा दस्तरखान लगा है क्योंकि सामान ज़्यादा था, और माशाल्लाह से आप देख सकते हैं बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुहर्रम पर और बार रबीउल नूर पर कहते हैं ना कि जितना अपना दस्तरखान को वसी करें तो आपके रिस्क में अल्लाह पाक और बढ़ कर देता है, तो ये करना चाहिए, सबको करना चाहिए ये, ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं, हमने सारे खाने लगा दिए हैं, इसके अब दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप सबके रिस्क में बरकत अता फरमाए, अल्लाह पाक हमारे भी रिस्क में बरकत अता फरमाए, और जैसा आजकल माहौल चल रहा है बस अल्लाह पाक सबकी परेशानियों को दूर करे क्योंकि आजकल सब परेशान हैं, क्योंकि यार हालात ऐसे हो चुके हैं तो कि सब परेशान हैं। अल्लाह पाक सबकी परेशानी को दूर करे और अल्लाह पाक हमारी ये नियाज अपनी बारगाह रिसालत में कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी, अब हम बैठ चुके हैं और उसके बाद दुआ का सेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, दुआ के बाद बस अजान होने का वेट कर रहे हैं। अच्छा जी, अब मगरिब अजान हो चुकी थी तो हम मगरिब की नमाज़ पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद मैं बात करती हूँ आपसे। अच्छा, अब मैंने नमाज़ पढ़ ली है, अब मम्मा नमाज़ पढ़ रही हैं, और एकदम तो मुझे आवाज़ आई बाहर से इतनी तेज़, तो मैंने देखा कि बहुत ख़तरनाक जो है वो बारिश हो चुकी थी, तो आज बहुत बारिश हुई है आप देख सकते हैं, और बिजली इतनी तेज़ चमक रही थी यार, ये तो बारिश तो हुई हुई उसके बाद जाकर है ना बिजली जो चमक रही थी ना उससे भी डर लग रहा था, और बादल भी बहुत ज़्यादा गरज रहे थे क्योंकि आज 10 मुहर्रम और 9 मुहर्रम का जो दिन है ना बहुत गर्म रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा जी, मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कॉमेंट्स करें, शेयर करें, और प्लीज़ 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 मुझे कॉमेंट्स करके बताएँ कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो।